नाज़रीन, हम इस वक्त शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पे एक मोबाइल बैंक कह लें इसको, या बैंक ऑन व्हील कह लें, अल हबीब की ये बैंक ऑन व्हील जो है, यहाँ पे एटीएम फैसिलिटी, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, अच्छा इसमें सारे मामले आते हैं। मुझे लगा सिर्फ ये एटीएम के लिए है। ये देखें नाज़रीन, एटीएम मशीन है, साथ ऑफिस भी है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कैश डिपॉजिट भी हो सकता है, फ़ंड ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, चेक भी कैश हो सकता है, यूटिलिटी बिल भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? ये हमारे पास अल हबीब के जो हैं एक नुमाइंदे मौजूद हैं। ये सर, ये ज़रा बताइएगा, ये क्या मोबाइल बैंक है, बैंक ऑन व्हील, ये क्या चीज़ है जी? ये बेसिकली बैंक अल हबीब की तरफ से एक लॉन्च करता है कस्टमर की सर्विस के लिए। ठीक है, ये मंडी में ये एटीएम ये बड़ा आसान है कि मतलब कि लोगों को ये होता है कि रास्ते में डकैती ना हो जाए, यहीं पे आके कैश निकलवाएं, और कैश विड्रॉल भी है, कैश डिपॉजिट भी है, और एटीएम सबसे बड़ी सहूलत है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे हमारी टीम ने मुख्तलिफ व्यापारियों के अकाउंट भी ओपन किए हैं। अच्छा, मतलब कि वो भी साथ साथ अपने डिपॉजिट। अच्छा, मुझे अब समझ आई है, पहले मुझे लगा एटीएम फैसिलिटी जो कि आवाम के लिए है, कैश डिपॉजिट जो है वो यहाँ के व्यापारियों के लिए है, कि आपके पास 50 लाख है, आपने 5, 10, 20 जानवर बेचे हैं, आप फौरी तौर पे बैंक में डिपॉजिट करा दें, ऐसे ही है जी? करवा लेते हैं, और उसके अलावा अकाउंट ओपन हमने, मैं चाहूँगा इधर आ जाए ताकि पीछे वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको कोई इशू तो नहीं है, आप आ सकते हैं, मतलब कोई सिक्योरिटी इशू ना हो। ये देखें नाज़रीन, मुझे पहले एटीएम फैसिलिटी लग रहा था और मैं सोच रहा था कि बाकी चीज़ें यहाँ पे क्यों हैं। ये भाई ने मुझे बड़ा अच्छा बताया कि कैश डिपॉजिट इसलिए है कि यहाँ पे व्यापारी आए, उनकी जितनी रकम वो जो है यहाँ पे बैंक में सबमिट करा दें, फंड ट्रांसफ़र करा लें, चेक डिपॉजिट करवा लें, अगर बिल है वो भी पे हो सकता है। अच्छा, और क्या क्या सहूलियात है? और सर, अंदर बैठ के वो अपना काम सेफ्टली कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कैश विड्रॉल भी है और डिपॉजिट भी है, डिपॉजिट भी है, एटीएम है, और उसके अलावा हमारी कुछ टीम है जो व्यापारियों के अकाउंट ओपन करवा के उनका यहीं पे डिपॉजिट करवा रही है। बहुत से लोग जिनके अकाउंट नहीं है, हाँ जी, वो ओपन, और उनको आप मौके पे अकाउंट खोल के उनकी रकम जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये बड़ा अहम है, क्योंकि कोड के जरिए उनकी पेमेंट, बहुत से लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए का माल लेके आए होते हैं और वो बेच के उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और मुझे ये यूनिक लगी, तो मैं ये बता सकता हूँ कि नाज़रीन, अगर आप भी कुर्बानी ख़रीदने आ रहे हैं तो दरख्वास्त ये है कि पैसे लेके ना आए, यहाँ पे बैंक्स मौजूद हैं, ये बैंक ऑन व्हील गाड़ी मौजूद है। और इसकी टाइमिंग क्या है सर? ये टाइमिंग जिस तरह हम सुबह आ जाते हैं और शाम तकरीबन इवनिंग तक हम यहाँ पे सर्विसेज देते हैं, उसके बाद फिर वो आप लोगों की सिक्योरिटी के भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वैसे ये तो मंडी तो रात को भी चलती रहती है, वो इंशाल्लाह तआला जिस तरह आगे हमें फर्दर है, ये जो 10 डेज आएंगे वो आगे इंशाल्लाह तआला। ये बड़ा अच्छा नाज़िम, ये देखें भजन कैसे हैं, कुर्बानी लेने आए हैं? जी जी सर। तो ये कितना अच्छा है यार, एटीएम ही मारने के, वैसे अगर आपको 2-2.5 लाख रुपया कैरी करके आना पड़े तो बहुत मुश्किल है हमारे इलाके से, तो पहले ही टिकट हो रही है। ये सही नहीं काम, ये बेहतरीन काम, बड़ा बेहतरीन काम है, मैंने भी देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। काम है ये, अवेयरनेस के लिए भी मैंने किया है कि नाज़रीन, जिन लोगों को ने कुर्बानी लेने आना है वो यहाँ आए, यहाँ आके यहीं से पैसे निकलवाएं और अपना जानवर ले जाएं। अगर आप 2-2.5 लाख लेके आ रहे हैं, हालात खराब है, खाली हाथ है, कार्ड लेके आए, अपना कार्ड लेके आए, एटीएम मार दो। और आपका आपका भी अकाउंट खुलवाने हैं? नहीं जी, मैं मालूम लेने के लिए आया। अच्छा, मालूम लेने के लिए आए। ये देखें बड़ा अच्छा है, अगर आप यहाँ पे जानवर बेचते हैं साथ ही अपने पैसे बैंक में जमा करवा दें। नाज़रीन, ये एक अवेयरनेस के लिए था कि जिस तरह के हालातों वाक़ा चल रहे हैं, मामला ख़राब हैं, अगर आप को 2-2.5 लाख रुपया, 1-1.5 लाख रुपया लेके अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो एक मुश्किल काम है, आपको डर खौफ है, डकैती हो सकती है, कोई वारदात हो सकती है। और नॉर्मली लोग जो हैं बड़ी सुबह खरीदो फरोख करने जाते हैं, रात को आते हैं, तो उस दौरान कोई भी वारदात हो सकती है। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये कि ये मोबाइल बैंक है, ये बैंक ऑन व्हील है, एक छोटी सी एक जो कैबिन है, गाड़ी है, इसके अंदर पूरा बैंक है। कितने दे रहे हैं आप माशाल्लाह? 2 लाख रुपये दे रहे हैं? ओ भाई, 2 लाख रुपए नहीं आप ले रहे यार, दे देने हैं तेरे, इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ, पैसे भी गिनती करा देने, हौसला ते कर यार, मेरी क्या लगने, मतलब पैसे का नहीं हैगा यार, पैसे तू ले जा, फिर पैसे दे, ना ना ना, अल्लाह दे रात, अच्छा मेरी गल सुन, एक मिनट, मैं कम नहीं, एक मिनट सुन, तो सही बात सुन ले, सुन तो ले, इसकी भी सुन ले क्या कह रहा है। ਤੈਨੂੰ ਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਛੱਡ ਦੂੰ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਹੋ? 2,05,000 ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੌਦਾ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਭਾਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੌਦਾ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਮੈਂ 2,05,000 ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, 2,10,000 यार, 5,000 रुपए के पीछे सौदा छोड़ रहे मेरे सानू, 5,000 बाहर रेडी करता नहीं, 5,000 रुपए पे सौदा छोड़ रहे, झूठ नहीं बोलता, सानू जरूरत नहीं कोई भी, 2,10,000 सानू पैंदा सी, ओदे विचों 5,000 रुपए सानू कटदा, जेड़ा पंज मैं कहते बस कहते, दो का हुआ है, दो 2,05,000 दो का हुआ ना, नहीं हजे भी देख लो, 2,05,000 दा यार, 5,000 रुपए के पीछे नहीं छोड़ दे, उनके घर ईद का जानवर जा रहा है, ईद दे घर दा सानू यार, तू आके रबड़ पा लिया, मेरा देना ही नहीं है जानवर, 800 रुपए 2,05,000 गल कर रहा, हां जी, गाग जो होता है ना, अल्लाह की रहमत होती है, वो कड़ी रहमत है जेड़ी काटा पावे, कौन काटा
ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ? ਮੈਂ ਲਾਣਤ ਭੇਜਦਾ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ 2 ਲੱਖ 5 ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਘਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਾਨ ਮੈਂ ਫਰਕ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 5 7 10 ਹਜ਼ਾਰ ਐਸੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਭੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਸلیم ਕਰਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਾ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਸਾਈ ਹੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜ਼ਰਾ यार ये 2 लाख का ठीक जाना है। नहीं 2 का बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं तू 2 का नहीं दे रहे 81 का कितों देना है? तू उन आंख मार के 2 10 का कहने लग गया। मैं कर फिर तू मानो करानी कर ला किन्ने दा आया फिर उंदी पेमेंट भर दे दी। किन्ने दा आया? हां किन्ने दा आया? ला ला मोहम्मद रसूलला 10,000 रुपया घटांदा पे दे हुण प्यार से क्या हो गया? नहीं फिर दे हुण इस गल ते तू क्यों कसम खा रहे? आपका आपका ज़ेहन काम करता है कि 10,000 कम में आपको दे रहे हैं? नहीं नहीं एक मिनट रुके रुके इधर दे पैसे उसने पकड़ा दिए हैं उसको पकड़ो ठीक है फाड़ यार पांच पीछे मैं 2,05,000 आ गए देखे मेरी बात पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है पूरा पाकिस्तान देख रहा है उसको 5,000 छोड़ दे हमारी वजह से छोड़ दे पर्ची वाला काम कर देने आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनाउल्ला ये देखे सनाउल्ला भाई 5,000 भी नहीं छोड़ते मैं 100 भी नहीं छोड़ते आप पर्ची वाला करना है ये सुनो मोरिया जी हां चलो चलिए पर्ची वाली भी चलिए कोई रोला नहीं मारे फाइनल कर दे तेरा 2-5 हो गया है और गाड़ी पैसे दे दो तो पर्ची का वो करना है वो सरकारी पर्ची से करने हैं फिर आप 2-5 में ले रहे हैं अब देखे सौदा कहाँ पे फंसा हुआ है मैं ये आपको दिखाता हूँ कि ये जानवर जो है नहीं नहीं इधर आ जाओ क्या नाम है इसका इसका नाम क्या है भोला भोले भोले इधर आ जाओ ये देखे भोले का 2 लाख लग गया है और भोले के जो अंकल हैं वो इसका 2,05,000 मांग रहे हैं अंकल इधर आए बात सुने 5,000 तो छोड़ दें उसका यार मंगे ही नहीं 2,05,000 कह रहे हो नहीं मंगे डील होई है तुम्हारी 2,05,000 दी वो तो कह रहा है कहना 2 लाख रुपया अभी कह रहे हैं तुम भी कह रहे हो 5,000 छोड़ दो नहीं छोड़ पूरा पाकिस्तान तुम देख रहा ना देख करें जरा अंकल की रिक्वेस्ट करें क्या नाम आपने बताया मेरा सनाउल्ला साहब की रिक्वेस्ट करें केड़े पंगे रुपए आ गए तू पैसे दे दे नहीं 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 ये हो गया सौदा हो गया सौदा हो गया सौदा हो गया आप बुलाएं यार बुलाएं माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है ये देखें नाज़रीन ये तकरीबन सौदा हो गया वो असल में 2,05,000 कह रहे हैं और जो जो भाई ने रकम पकड़ाई है वो 2 लाख कह रहे हैं लेकिन ये सौदा हो गया वह मुझे लगता है 5,000 के लिए वो भाई नहीं छोड़ेंगे ये बाहर इस तरह की बातें कह रहे हैं वो नहीं छोड़ेंगे हैं इसके कितने लेने हैं 3,50,000 ये नाज़रीन जानवर बिक गया है 2,05,000 में ऐसे ही है जी तो माशाल्लाह ठीक मिल गया आपको जानवर बहुत खूबसूरत है जानवर माशाल्लाह निगर भी है माशाल्लाह जानवर ठोस है और पसंद भी है मेरे को ये बड़े भाई आ गए हमारे ये आ गए ये इनके बड़े भाई आ गए हैं और अब क्या हाल है भजन खैरियत से आप खैरियत से इधर आए ना जरा आपको पहले बंदे मिलवाएं ये बता रहे हैं इसका नाम भोला रखा हुआ है ये आपके भाई ने 2 लाख लगाया ये 2,05,000 कह रहे हैं जानवर आपको कैसा लगा जानवर तो खूबसूरत है ये 5,000 भी नहीं अब छोड़ रहे पहले तो कितने कितने पैसे छोड़ देते होते थे ऐसे ही है ये क्या हुआ इन्हें क्या हुआ नहीं खा रहे ये तो जो मांगते हैं बस कहते हैं वही लेना इस बार क्या वजह है पहले तो बड़ी वो पता की गल है दिमाग है ना जेड़ा फट गया दही करता नहीं एक और मसला भी दही करता एक और मसला पता क्या हां अभी कुर्बानी को देना ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਮਾਰ ਲੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸਾਈ ਲੈ ਲੇਗਾ ਇਤਨੇ ਕਾ ਲਊਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਇਸਕਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 4.5 ਫੁੱਟ ਪੌਣੇ 5 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਚਲੇ ਯਾਰ ਆਪ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਲੈਨੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਾ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆ ਪੁੱਛੀ ਯਾਰ ਆਪ 2,000 ਦੇ ਦੇ ਚਲੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਲੈਣਾ लेना ही नहीं कैसे लोग हैं क्यों इतने गुस्से में हैं ये क्या कहेंगे बाप दे यार इनको यार जानवर आपका बहुत खूबसूरत है 2-3,000 रुपए का क्या होता है बच्चे जाके खेलेंगे लेकिन आपको एक बात दूं एडी फीस चार्ज कर रहे हैं ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं मैं क्या एडी फीस चार्ज कर रहे हैं चार्ज कर रहे हैं जाहिर बात है साडी बोलने दी भी चार्ज नहीं हो रही जानवर बहुत ही खूबसूरत है और बेहतरीन जानवर है और वो नहीं 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 गाहक जो होता है अल्लाह की रहमत होता है बस ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ
हमने लास्ट टाइम इसे प्रोग्राम किया था कि एक बंदा अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देने लगा है, आप लोगों ने 1 अरब रुपए का भी इसको ठेका दिया हो तो जो कुर्बानी कर रहा है उसके सिर आसान है। जो बंदा यहाँ पे कारोबार करने आ रहा है उससे पर्ची ले या ना ले, एक और चीज है। गवर्नमेंट तो पैसे ले नहीं रही, आने वाले भी जा नहीं, ठेका दिया हुआ है, ठेका कोई भी पैसे दे, बहुत महंगा ठेका लिया हुआ है, जिन लोगों ने लिया उन्होंने सारा ठेकेदार काट रहे हैं, जो भी काट नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट को पैसे दिए ना, गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं दिया। ये हम इससे भी पूरा प्रोग्राम करेंगे, उनसे जाके बात करेंगे, क्योंकि अवाम नाथ की पैसे दिए भी हो तो ईद के दिन तो जो होते हैं ना वो ऐसे नहीं पर्ची होती, कभी भी नहीं हुई। हाँ, कुर्बानी कितनी होनी चाहिए? पिछले साल के में नहीं, पिछले साल भी पर्ची थी, हमने पिछले साल भी इनके खिलाफ प्रोग्राम किया। 100 रुपए एयर की कितनी है? 800 गड्डी जी चार्जेस लगा, 3000 रुपया और डग दे लाण दा। सुनाओ भाई, आप कितने गुस्से वाले आदमी हैं, जरा आपने जो ना दसिया के सानू एदे विचों 10000 रुपया कटया, मैं लाण ते भेज दा, झूठ बोलना। कहां से लेके आए? असि समुंदरी तो। तो ये कौन सा कारोबार कर रहे हैं, 10000 रुपया कम हो गया? नहीं, सूत आया जानवर में पड़ी है, हम कैसे? तो फिर मैं कह जिमी एथे तो तुम कह रहे हैं ना भी आ वे ओदी पर्ची दा हक कर रहे हैं, जिमीदारों ने फड़ फड़ के अगले ने सरिया मंदिर दिता, ज्यादा नहीं कुछ होया, असि की कर लेना उथे, पूरा जानवर नु पसंद आया दे देता, 2-5 दा जे देना ठीक है, नहीं तो ना सही ले जी। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो भाई, सौदा कर रहे हैं। ये देखें ये सर, ये जब आपका सौदा हो गया 2-5 और आपने इनको 25000 दे दिया, बयाना दे दिया, अभी आप बकरे ओढ़ने लगे, बहुत खूबसूरत जानवर है नाज़िन, माशाल्लाह 2,05,000 में बड़ा खूबसूरत जानवर दिखाएं, दोंदा है दिखाना यार, अपनी भी तसल्ली कर ला भाई, मैं बेच दे, दोंदा दोंदा, वेरी गुड। ये नाज़िन बड़ा खूबसूरत एक सौदा हुआ है,